यदि x बराबर 3 + 2 अंडर रूट 2 हो तो, यदि x बराबर 3 + 2 अंडर रूट 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। हाँ, ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है। हम क्या करेंगे, हम x का मान हमें दे रखा 3 + √2, तो 1/x का मान होता है 3 - √2। यहाँ तक तो आप पूरी तरह से सहमत होंगे। जब इन्हें प्लस करेंगे मित्रों, तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x, यानी 3 + 2√2 और 3 - √2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 का स्क्वायर करना होगा, -2 कर देना होगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में से 2 गया हमारे पास होता है 34। तो इस पूरे प्रश्न का जवाब होगा 34। तो प्रश्न संख्या 44 का हमें आंसर राइट करना पड़ेगा 34। प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो तो, वन अपॉन 1 + x, 1 अपॉन 1 + y, 1 अपॉन 1 + z का मान कितना होगा। भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे आंसर निकालेंगे, बहुत आसान पैटर्न है, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 1 + x, 1 + y और 1 + z। अगर मैं ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर गुणा कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यह वाई से गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यह जेड से गुणा करेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मान आपको वाई प्लस जेड दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पुटअप करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा वाई प्लस जेड। इसी प्रकार यहाँ पुटअप करूँगा वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स प्लस जेड, तो हमारे पास हो जाएगा वाई एक्स प्लस जेड। इसी प्रकार यहाँ पुटअप करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब साथ में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नज़र आ रहा, सबका लघुत्तम लेंगे, हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब कट जाएगा और इस पूरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो प्रश्न संख्या 45 का आंसर हमारे पास 1 होगा। आ गया समझ में, आज के पूरे 10 प्रश्न मैंने करवा दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जरूर करें।